हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है भाई ये वाला कॉन्टेंट तो मेरे चैनल पर था ही नहीं। तो अभी हुआ ये कि दो चार दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था कि आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आपकी रिक्वेस्ट भी आई कि मैम इस पर भी वीडियो बना दीजिएगा कि आईलाइनर कैसे लगाया जाता है, बिगिनर्स आईलाइनर्स कैसे लगा सकते हैं, या कौन सा आईलाइनर अच्छा रहता है बिगिनर्स के लिए। तब मुझे याद आया कि ये वाला कॉन्टेंट तो था ही नहीं भी मेरे चैनल पर। तो बस फिर क्या था, हाजिर हो गई आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल सी वीडियोज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि बिगिनर्स को कौन सा आईलाइनर लगाना चाहिए या फिर आईलाइनर कैसे लगाया जाता है और कौन सा आईलाइनर बेस्ट होता है बिगनर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हो मैंने Maybelline Fit Me की फाउंडेशन लगाई है और बस लाइट सा मेकअप किया हुआ है। मैंने ब्लश लगाया है, हाईलाइटर लगाया है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा कैमरा में क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है। और आईब्रोज फिल की है, बिंदी लगाई है, सिंदूर भी लगाया हुआ है। जी हाँ, मैं सिंदूर लगाती हूँ भैया, ऐसा नहीं है कि मुझे सिंदूर लगाना पसंद नहीं है, मुझे सिंदूर लगाना पसंद है भाई और मैं लगाती हूँ, बट स्मॉल सा लगाती हूँ तो आपको कम ही नजर आता है, जो दिखता नहीं है। तो खैर इन सब बातों को छोड़िए, आईलाइनर पर फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है ना, ये जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, इसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तभी सभी को यहाँ से गुजरना होता है, तभी ट्रैफिक सारी यहाँ ही से जाती है। मतलब ऐसा लगता है बस इन्हें पता चल जाता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो बस शोर करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि अगर आप बिगनर्स हैं ना, यानी कि आईलाइनर लगाना नहीं आता है बिल्कुल भी, या सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा स्केच आईलाइनर। जी हाँ, बिगनर्स को स्केच आईलाइनर से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तब भी आपको स्केच आईलाइनर का यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे ना आईलाइनर लगाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और किसी भी तरह का आईलाइनर आप इससे आसानी से लगा सकते हैं। जी हाँ, मैंने जब शुरुआत की थी तो स्केच आईलाइनर से और काजल से ही शुरुआत की थी। वैसे आप चाहें तो काजल से भी आईलाइनर लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं लिक्विड आईलाइनर की, तो इससे लगाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ब्रश होती है ना उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिगनर्स के लिए। और पहले मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था आईलाइनर लगाना, एक टाइम था जब मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद अभी तो थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। एक टाइम था जब मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लगता था आईलाइनर लगाना, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था और हाथ भी कांपते थे। तब मैंने क्या गलती की थी कि मैं सीधा लिक्विड आईलाइनर से लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन हाँ तब मुझे बाद में याद आया कि हाँ भाई स्केच आईलाइनर से ज़्यादा ईजिली लग सकता है, मतलब ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड आईलाइनर की जो ब्रश होती है ना इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डॉट भी सही से नहीं लग पाते हैं, काफ़ी बार विंग जो होता है इधर उधर चला जाता है। तो यस, आप लिक्विड आईलाइनर का यूज ना करें और आप चाहें तो स्केच आईलाइनर से लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्केच आईलाइनर की हेल्प से ही आईलाइनर बताऊंगी कि कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप न्यू ड्रेसेस लेते हैं तो उस पर अक्सर इस तरह से टैग लगे होते हैं ना, कपड़ों पर टैग लगे होते हैं, तो ये जो टैग लगे होते हैं ना इसकी हेल्प से आप आसानी से आईलाइनर को लगा सकते हैं। चाहे आप विंग आईलाइनर लगाएं या नॉर्मल आईलाइनर लगाएं, बहुत आसानी से लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल आईलाइनर लगाना बताती हूँ, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप स्केच आईलाइनर यूज करें या लिक्विड आईलाइनर यूज कर रहे हैं, खासतौर से गर्मियों में, कोशिश कीजिएगा कि वो वाटरप्रूफ स्केच आईलाइनर हो और वाटरप्रूफ ही लिक्विड आईलाइनर यूज करें, क्योंकि गर्मियों में ना स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आईलाइनर जो है कभी कभी बिगड़ जाता है, टिक नहीं पाता है, तो आइस बहुत ही भयानक लगती है। जब भी आप आईलाइनर लगाएं तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आपको कंसीलर लगाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी हुडेड आईज है तब भी आपका आईलाइनर जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा, अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी आईज है तब भी बहुत अच्छा दिखता है और आईलाइनर जो है काफी देर तक टिका भी रहता है। तो कंसीलर को सबसे पहले अपनी आईलिड पर लगा लीजिएगा, कोई सा भी कंसीलर ले सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले कंसीलर लगा लेना है आपने। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इस कंसीलर को सेट कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर स्केच आईलाइनर ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जहाँ पर मुझे आईलाइनर लगाना है वहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लूँगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा मार्क बना लूँगी इस तरीके से, या आप चाहें तो डॉट भी बना सकते हैं, और धीरे धीरे इन लाइंस को मिला देंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये स्केच आईलाइनर की हेल्प से बहुत ईजिली लग जाते हैं लाइनर, जैसे कि आप देख रहे हो, और आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा मोटा या पतला रखना चाहते हैं लाइनर को, तो वैसा भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये नॉर्मल सा आईलाइनर लगाना भी बहुत ईजी है। तो आप देख सकते हैं मैंने डॉट डॉट करते हुए आपने थोड़ी सी लाइंस लगा लेनी है या डॉट लगा लेने हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको मिला लेना है। तो आप नॉर्मल सा आईलाइनर इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने सिंपल सा आईलाइनर आपको बताया है, अगर आप डेली में आईलाइनर लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि डेली में ना हर किसी को विंग आईलाइनर अच्छा नहीं लगता है,
और इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक आइज पर इस कार्ड की हेल्प से लाइनर को लगा लिया है, अब मैं दूसरी आइज पर लगा रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपने आउटर वी पर इसे रखना है इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा शार्प विंग नहीं चाहिए तो आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा शार्प विंग चाहिए तो आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं। अगर आईलाइनर थोड़ा सा खराब लग रहा है या थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो आप इसे कंसीलर की हेल्प से इस तरीके से इसे थोड़ा सा क्लीन कर लीजिएगा। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने कुछ इस तरीके से विंग आईलाइनर को लगाया है। दो तरीके से आपको लाइनर बताया है मैंने। वैसे तो लाइनर के बहुत सारे तरीके होते हैं और मैंने अलग अलग तरीके से भी आईलाइनर को लगाना बताया हुआ है कि आप पार्टी में या ओकेजन के अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से लाइनर को लगा सकते हैं। आई बटन पर मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई है, वैसे जिन लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली आईलाइनर की ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर देना। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन तब मिलेंगे जब आप बेल आइकन को भी हिट करेंगे। और दोस्तों यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम और मंच पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।